नागिन धुन बजाओ ऐसा कि लोग सुनकर झूमने लगे और आपके दीवाने हो जाएं। साथियों, बहुत ही प्यारा सा लहरा नागिन का मैं आज मोबाइल हारमोनियम के माध्यम से आपको बताऊंगा और आसान तरीके से वह भी गिनती के माध्यम से आप एक बार में समझ सकते हैं इसे। जी हाँ, बहुत सारे साथी बहुत सारे गाना बजा लेते हैं लेकिन है क्या कि नागिन धुन में हाथ उंगलियां फंसती है, तो इसके लिए मैं आज नोटेशन के साथ लेकर आया हूँ, आप आसानी से इसे बजा पाएंगे। ठीक है, पहले काले को सा मानते हुए यहाँ से, लेकिन मैं माँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सरल शब्दों में बोलूँ मैं तो तीन काले, दो काले और तीन काले, इस तरीके से आपको कवर कर लेना। ठीक है, बस पूरा नागिन लहरा आप इसके अंदर ही सीखने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। देखिए स्टार्टिंग में कैसा है, मैं पूरा बजाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। है ना लाजवाब, अगर आप इतना बजा दिए कहीं भी किसी स्टेज पर या फिर आप किसी फंक्शन में जहां भी आपको मौका मिले तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो देखिए इसे सीखने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले पा लगेगा, पा धा कोमलनी, फिर सा, फिर रे, ठीक है, फिर कोमल गा, फिर माँ, फिर पा। पूरा लहरा बजाने के लिए इतना सारा बटन लगेगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप नंबर बिठा सकते हैं सभी बटन के ऊपर, मैं कौन कौन सा बटन को प्रेस कर रहा हूँ इसमें ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग है, एक एक फिंगर से बताऊंगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में, चौथा स्टेप में, है ना आसान। एक बार स्लो स्लो में फिर से देखिए, ठीक है, ताकि आप एक बार में सीख सकें। पहला स्टेप में था, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप है, यहां पे ध्यान से देखना है, लोग अक्सर यहीं पे फंसते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसका अगला स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे तीन तीन बटन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे, पहला है रे सनी गारे सा मागरे मागरे। अब चार चार बटन के साथ हम पीछे आएंगे, प मागरे मागरे सा गारे सनी सनी धप, फिर लास्ट में म प। अब स्लो में देखेंगे तीन तीन बटन कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, अब इसे छोड़ेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, अब इसे छोड़ेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, अब वापस आएंगे चार चार बटन के साथ, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, अब पा को छोड़ देंगे, एक दो तीन चार, फिर माँ को छोड़ देंगे, एक दो तीन चार, गा को छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, रे को छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, और उसके बाद पाँच छः लास्ट करेंगे। ठीक है,
लास्ट स्टेप में ऐसे। है ना आसान, आप कहीं भी बजा सकते हैं इसे, इतना आसान तरीका जो कि आप हारमोनियम सीखेंगे। और एक चीज़ और जानकारी दे दूं आपको, बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, बहुत सारे साथी बनाते भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हारमोनियम आप कैसे सीखेंगे, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है प्रैक्टिस, और हाथ पकड़ के या तो किसी कोई ज़बरदस्ती आपको सिखा दे तो वैसे ज्ञान नहीं आएगा। आपके अंदर संगीत का माहौल होना चाहिए, तब जा करके आप कहीं ना कहीं हारमोनियम में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर का माहौल जो है, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, ये संगीतमय होना चाहिए, ठीक है। और रियाज सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप कुछ भी, कोई भी धुन हो, सरगम हो, किसी का भी रियाज आप कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी हो, आप जो है कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, या फिर गाना हो, थाट हो, राग हो, सरगम हो, ठीक है, कुछ ना कुछ चालू रखिए। इससे क्या होगा, हारमोनियम का क्या प्रोसेस है, गाना निकालने का, गाना ढूंढने का, ठीक है, कौन सा बटन से कैसा स्वर निकलता है, क्या होता है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर एक दो गाना सीखने के बाद आप खुद ब खुद आप प्ले करने लगेंगे कोई भी सॉन्ग को। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लीजिए, ताकि मोबाइल से हारमोनियम सीखने के लिए आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।